हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें मेरा पर्पस ये रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर साइंस आपको क्लास 11th और 12th की कंप्लीट पूरी कराऊंगा। ये लेक्चर्स जो है ये हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश में भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंग्लिश में भी मैं लेक्चर्स बना दूंगा। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की एक ब्यूटी है, ये सिर्फ आपको 11th 12th क्लास में पास नहीं कराना, ये मैं आपको ऐसे स्किल्ड कर दूंगा कि आप कंप्यूटर सिस्टम्स बना पाएंगे बड़े बड़े, है ना। और आपको कंप्यूटर सिस्टम्स की आजकल इम्पोर्टेंस तो पता ही है, आईटी सेक्टर का काफी बूम चल रहा है, काफी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज देना। प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे आपने देखा, आप अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि यहाँ पे हम पाइथन पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पाइथन मेंशनड है। पाइथन एक लैंग्वेज है जो जब आएगी तब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट पाइथन बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। बहुत सारी आप देखोगे आजकल कंपनीज वो पाइथन में स्क्रिप्ट लिख रही हैं, और पाइथन कंपनीज यूज कर रही है, एमएनसीज यूज कर रही है, स्टार्टअप्स यूज करती हैं, और काफी फास्ट तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हो यूजिंग पाइथन। अच्छे खासे बैकएंड लिख सकते हो। बैकएंड क्या होता है ये भी मैं आपको इवेंचुअली बताता रहूंगा। तो कंप्यूटर साइंस क्लास 11th क्लास 12th एनसीईआरटी को बेस लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पहला चैप्टर दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। आपका कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वो रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और भी कोई हेल्प चाहिए हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। सो यहाँ पे एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एलन ट्यूरिंग काफी एक आप कह सकते हो कंप्यूटर साइंस में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने बोला था, कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। तो ऐसा टाइम दोस्तों आ ही गया है कि ह्यूमन और कंप्यूटर में फर्क कम होता जा रहा है। कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोच पा रहा है, उसमें भी दिमाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमारे में इंटेलिजेंस है तो उसमें भी इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क से उसमें दिमाग बनाए जा रहे हैं, राइट दोस्तों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अब चीजें कनेक्टेड है, कंप्यूटर खुद डिसीजन ले सकते हैं, यूजिंग कंप्यूटर एरोप्लेन लैंड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर मतलब समझाने की बात यह है कि इंसान की तरह ही बिहेव करने लगा है। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर सिस्टम, वो देखते हैं। तो आप विदाउट मूविंग अहेड मुझे बताइए कि कंप्यूटर होता क्या है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर दोस्तों होता क्या है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट, ठीक है। तो दोस्तों जिसे आप दोस्तों जो डेटा एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे इनपुट कहते हैं, उसको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस किया, उसने 2 + 3 सम किया और एक रिजल्ट जनरेट किया। तो ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कोई भी आपसे पूछे, अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज कर रखे दोस्तों, हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है कि आपके जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं ना, जैसे पर्सनल मॉनिटर हो गया आपका, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिक कि आपकी चीजें कैसे चलनी चाहिए, आपका स्क्रीन जो है ब्लू दिखना चाहिए, आपका स्टार्ट बटन लिखा आना चाहिए, आप अगर स्टार्ट क्लिक करो तो स्टार्ट हो जाए, शट डाउन क्लिक करो शट डाउन हो जाए, राइट। ये सब जो लॉजिक लिखा है ये सब सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही तो इवेंचुअली होती जाएंगी, आई होप, लेकिन क्लियर हो गई होगी। तो कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, यही हमारे चैप्टर का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंसिस्ट कंप्राइजेज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका सीपीयू है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी, मेमोरी होती है दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ये चार चीजों को मिला के आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और ये सब क्या क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय आपको फिर भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हो कि जो प्रोसेस कर रहा है चीजें, जो चला रहा है ना, जो सीपीयू होता है आपका, जो चीजें चला रहा है, करेक्ट, उसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काइंड ऑफ आप अपना ब्रेन कह सकते हो, ब्रेन, है ना। मेमोरी, मेमोरी दोस्तों वो होती है कि जैसे आपने कोई चीज चलाई, आपने कोई चीज चलाई तो वो कहीं मेमोरी चाहिए, वहीं पे वो चलेगी, कहीं उसे थोड़ी सी मेमोरी चाहिए वही चलेगी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे आपका 2 GB रैम है,
कभी कभी आपने मोबाइल में देखा होगा ना, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, ये मेमोरी है दोस्तों, मेमोरी। ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे जहां से आप इनपुट देते हो जैसे माउस और कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे मॉनिटर जो आपको दिखता है, ठीक है। फिर से एक और वर्ड आ गया, स्टोरेज डिवाइस। इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, कि ओके रैम आपकी 4 GB है, रैम आपकी 2 GB है, बट कहते हैं ना कि आप अपना एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस डाल दीजिए, आपकी स्पेस बढ़ जाएगी, या पेन ड्राइव डाल दीजिए, पेन ड्राइव आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया, या हार्ड डिस्क जो होती है, जो लिखी होती है बहुत बहुत ज्यादा मेमोरी की, हाँ जी, कि 512 GB हार्ड डिस्क है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो डेटा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या है, प्राइमरी मेमोरी में आपका पूरा सिस्टम चलता है और वो कम होती है और वो फास्ट होती है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, वो बाहर होता है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई और वहां पे आप कह सकते हो कि आप अपने चीजें स्टोर करते हो, जैसे मोबाइल में एग्जांपल ले लेते हैं, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वो आप वहां पे आप चीजें स्टोर कर सकते हो और उसको बाहर भी निकाल सकते हो, राइट, उसको बढ़ा भी सकते हो वहां पे। तो लेकिन वो फेच करने में, मतलब वो डेटा लेने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस कहते हैं, और ये बड़ा घटा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जहां पे आपका पूरा सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पे एरिथमेटिक लॉजिक भी लिखा हुआ है, ALU, ये आपका कैलकुलेशंस करता है, कैलकुलेशंस करता है दोस्तों। और ये कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, इसको मिला के आप बोलते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर से बता दूं, CPU इज इक्वल टू ALU प्लस CU प्लस प्राइमरी मेमोरी, ऐसे आप कह सकते हो, राइट। ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। तो जो आपको डिजायर्ड आउटपुट दिखता है, आपका मोबाइल चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, ये सब जो है, ये सब मिला के चीजें चला रही है। कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस, आपने देखा भाई, ये बहुत सारे साइजेस में आते हैं, इवन आपका मोबाइल है, टेबलेट है, और आपका जो कंप्यूटर है उसमें भी डेस्कटॉप आता है, उसमें भी आपका लैपटॉप आता है, राइट। इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स भी होते हैं दोस्तों, सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, टू पर्सनल डेस्कटॉप, आपका अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, जिसको जैसे आईपैड है उसको टैबलेट कहते हैं, ठीक है। टैबलेट मतलब मोबाइल से थोड़ा बड़ा फ्लैट सा जो होता है ना, उसको टैबलेट कहते हैं ना। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन मतलब वो चीजें चला सकता है, स्मार्टफोन का मतलब ये है कि उसमें इंटरनेट चलता है, इसलिए स्मार्ट है। स्मार्ट वर्ड जब भी यूज किया जाएगा तो उसमें इंटरनेट चलता है, ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में इंटरनेट चलता है। इंटरनेट चलता है तो 100 चीजें और चल सकती है, आप व्हाट्सएप चला सकते हो, आप यूट्यूब देख सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको ही एक कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हो, एप्स बना सकते हो उसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, राइट। तो स्मार्ट वर्ड कभी भी देखो, इसका मतलब वहाँ कंप्यूटर चल सकता है, इसीलिए स्मार्ट टीवी होता है वर्ड, है ना, स्मार्ट टीवी सुना होगा, स्मार्ट टीवी मतलब उसमें इंटरनेट चलता है, सिंपल, है ना, सिंपल भाषा में सब समझ में आना चाहिए। हाई एंड सर्वर, जैसे गूगल के सर्वर है, वहाँ पे आपका गूगल सर्च चलाया, लाखों करोड़ों लोग चला रहे हैं, सब सर्च चल रहा है, वो हाई एंड सर्वर है। फिगर 1.1 शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये रहा, द डायरेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स। ये देखो, इनपुट डिवाइस डाला, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दूँ जिससे आपको अच्छे से दिखने लगे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो दोस्तों कि इनपुट डिवाइस ने डेटा डाला सीपीयू में, और सीपीयू ने सब कैलकुलेट करा और आउटपुट डिवाइस को दिया। ये देखो फ्लो ऑफ डेटा हो रहा है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट कैलकुलेट कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है, कभी कभी सेकेंडरी स्टोरेज में भी जाएगा, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज में कब जाएगा, जैसे आपने कुछ अपने मेमोरी कार्ड में कोई फोटो रखी हुई है और आप उसको निकालना चाह रहे हो, तो फ्लो ऐसे चलेगा, सीयू जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और वो लेके आएगा, ठीक है। ये जो है चीजें अभी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, कोई भी आपका सजेशन हो कंप्यूटर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। ये है आपका पीसी, या पीसी नहीं, वर्ड यूज करो सी, कंप्यूटर। इसमें आपको दोस्तों इनपुट देते हैं डेटा, और वो आपको आउटपुट जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल ने, जैसे आपने इनपुट दिया 2 और 3, तो आपका कंप्यूटर अगर सम कैलकुलेट करता है तो वो आउटपुट देगा 5, 2+3 करके, राइट। आपने जो इनपुट दिया था उसे डेटा कहते हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, और जो
आउटपुट आया उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि उससे हमने इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली कि सम जो है वो 5 है, राइट। इसी तरीके से आप अपनी अगर सैलरी डिटेल्स इनपुट दें और वो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ले, तो ये भी एक तरीके का कंप्यूटर हो गया आपका। एक और कंप्यूटर क्या हो गया कि आपने सैलरी इनपुट दी अपनी और उसने इनकम टैक्स आपका कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो ये आपका कंप्यूटर है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने जो इनपुट डाला दोस्तों वो डाला कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है, ठीक है। आपको जो स्क्रीन दिख रही है जिसको मॉनिटर कहते हैं वो भी हार्डवेयर है, जहाँ मेमोरी है वो भी हार्डवेयर है, लेकिन ये लॉजिक कि दो दो और तीन अगर डाला जाए तो इसका सम निकाल लो 2 + 3, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। आपका मोबाइल चल रहा है उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, लेकिन मोबाइल पूरा का पूरा हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है,